इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फर्स्ट वी सी व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न और टू जनरेट अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. इसका मतलब यहां पे अपने को सबसे पहले स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है वो देखना है और वो किस तरीके से जनरेट हो रहा है उसकी जो कंडीशंस है वो भी अपने को यहाँ पे क्या करना है देखना है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेंगे दो लाइट के सोर्सेस. जैसे कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट एस वन, दिस इज द सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट एस टू. दीज टू सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग लाइट वेव्स, दिस इज दीज आर नथिंग बट द लाइट वेव्स प्रोड्यूसेड बाय फर्स्ट सोर्स, दीज आर नथिंग बट द लाइट वेव्स प्रोड्यूसेड बाय सेकेंड सोर्स. दीज लाइट वेव्स आर इंटरफेयर एट डिफरेंट पॉइंट्स. इफ यू ऑब्जर्व हियर एट दिस पॉइंट द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव इज सुपरइम्पोज. ये पॉइंट के पास में इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पॉइंट के पास में इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पॉइंट के पास में इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है. तो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट जो है वहां से निकलने वाली जो वेव है और सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली जो वेव है ये जहां पे इंटरफेयर हो रही है या जहां पे कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे इंटरफेरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है. तो ऐसा यहाँ से लेके तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे अपन ने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी हुई है कैपिटल डी इतने डिस्टेंस पे विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर. ये जो दो लाइट के सोर्सेस है ये दो लाइट के सोर्सेस से एक 1 मीटर डिस्टेंस और 1.5 मीटर डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली अपन ने स्क्रीन रखी हुई है जिस स्क्रीन के ऊपर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट के पास में लाइट वेव्स का क्या हो रहा है इंटरफेरेंस हो रहा है. वी नो दैट व्हेन द क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव सुपरइम्पोज ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव सुपरइम्पोज ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव देन वी आर गेटिंग अ ब्राइट बैंड, दैट इज दैट पॉइंट विल बी ब्राइट और दैट पॉइंट अपीयर्स ब्राइट. पहले सोर्स से निकले वाली जो वेव है उसका क्रस्ट और दूसरे सोर्स से निकलने वाली जो वेव है उसका क्रस्ट, क्रस्ट का सुपरइम्पोज हो गया तो ब्राइट पॉइंट मिलेगा, ट्रफ ट्रफ सुपरइम्पोज हो गया तो भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा. मतलब सच बैंड इज कॉल्ड एज अ ब्राइट बैंड. जैसे कि यहां पे लिखिए ठीक है, ये सपोज फर्स्ट वेव है और ये सपोज सेकेंड सोर्स से निकली हुई वेव है. ये जो वेव है ये फर्स्ट सोर्स से निकली हुई है, ये सेकेंड सोर्स से निकली हुई है. यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस पोर्शन भी कॉल्ड एज अ क्रस्ट, दिस पोर्शन भी कॉल्ड एज अ ट्रफ. तो यहां पे दोनों वेव का जो क्रस्ट है वो सुपरइम्पोज हो रहा है, यहां पे दोनों वेव का ट्रफ सुपरइम्पोज हो रहा है. तो क्रस्ट सुपरइम्पोज हो रहा है या ट्रफ ट्रफ सुपरइम्पोज हो रहा है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट एट दैट पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज वेरी लार्ज एंड सच अ पॉइंट अपीयर्स एज अ ब्राइट पॉइंट एंड दैट पॉइंट वी कॉल्ड एज अ ब्राइट और इट इज कॉल्ड एज अ ब्राइट फील्ड. इन शॉर्ट व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन वेव falls on the crust of another wave or the trough of one wave falls on the trough of the another wave at that point we are getting the bright band. Similarly, if the crust of one wave superimposed on the trough of another wave or trough of one wave superimposed on the crust of another wave then we are getting a dark band. Iska matlab S1 जो पहला लाइट का सोर्स है यहां से निकलने वाली जो वेव है इसका जो क्रस्ट है वो सेकेंड सोर्स जो है S2 यहां से निकलने वाली वेव जो है उसके ट्रफ के ऊपर सुपरइम्पोज हो रहा है. पहले वेव से निकलने वाली जो वेव पहले सोर्स से निकलने वाली वेव का क्रस्ट दूसरे सोर्स से निकलने वाली वेव के ट्रफ के साथ में क्या हो रहा है सुपरइम्पोज हो रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डार्क बैंड मिलेगा, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कैसे रहेगी मिनिमम रहेगी या अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल रहेगी या जीरो रहेगी. सो क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ
wave falls on the crust of the another wave, then we are getting a dark band. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो first wave जो है उसका bright band या sorry first wave का जो crust है वो दूसरे सोर्स से निकलने वाली जो light wave है उसके trough के साथ में superimpose हो रही है, यानी overlap हो रही है. तो ऐसे situation में क्या हुआ है, dark band मिला है, वहाँ पे light की intensity approximately कितनी है, zero है या negligible है. वहाँ पे light जो है वो दोनों सोर्स से निकलने वाली जो waves है वो cancel हो रही है, और इसीलिए such a point is called as a dark band. और इट इज कॉल्ड एज अ डार्क फ्रिंज, डार्क बैंड, और इट इज कॉल्ड एज अ डार्क फ्रिंज, और ब्राइट बैंड इट इज कॉल्ड एज अ ब्राइट फ्रिंज. तो यहां पे ये कांसेप्ट अपने को ये ख्याल में लेना है, क्रस्टस और ट्रफ ट्रफ ब्राइट बैंड, क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट इज नथिंग बट अ डार्क बैंड. इसको मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये सपोज फर्स्ट वेव है, दिस इज द फर्स्ट वेव, ये उसका क्रस्ट है और ये उसका ट्रफ है. अब सेकेंड वेव जो है, सेकेंड सोर्स से निकलने वाली वेव, ये सेकेंड सोर्स से निकलने वाली जो वेव है ये इस तरीके से, तो सेकेंड सोर्स से निकलने वाली वेव का ये क्या हो गया, ट्रफ हो गया, और ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सोर्स से निकलने वाली जो वेव है उसका क्रस्ट सेकेंड सोर्स से निकलने वाली जो वेव है उसके ट्रफ के साथ में सुपर इम्पोज हो रही है या ओवरलैप हो रही है, या उसका जो क्रस्ट है वो फर्स्ट सोर्स से निकलने वाली जो वेव है उसके ट्रफ के साथ में सुपर इम्पोज हो रही है. तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, यानी वहां पे लाइट की इंटेंसिटी निग्लिजिबल है या अप्रोक्सीमेटली जीरो है. व्हेन एट अ सर्टेन पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, देन सच पॉइंट वी कॉल्ड एज अ ब्राइट बैंड, और इट इज कॉल्ड एज अ ब्राइट बैंड. एंड एट अ पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मिनिमम और निग्लिजिबल और जीरो, then such a point is called as a dark band. Now, this is nothing but the pattern. Here, this is nothing but a central bright band. Always remember that in interference pattern, the central point is always a bright band. Central point is always a bright band. कोई भी condition हो, उसमें central जो point होगा, वो हमेशा कैसे रहेगा? Bright band ही रहेगा in any situation. तो ये जो screen है, इस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, और ये सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों साइड में अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट डार्क बैंड और ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो यहाँ पे डार्क बैंड आ गया, उसके बाद में ब्राइट बैंड आ गया, फिर डार्क बैंड आ गया, फिर ब्राइट बैंड आ गया. सिमिलरली नीचे के साइड में देखिए, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, यहाँ पे डार्क बैंड आएगा, यहाँ पे ब्राइट बैंड आएगा, यहाँ पे फिर से डार्क आएगा, यहाँ पे फिर से ब्राइट आएगा. सो दिस अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर कंटिन्यूअसली फॉर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड और अपोजिट साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. सपोज द पैटर्न गेट्स फॉर्म, एक बार ये पैटर्न फॉर्म हो गया. अब जब ये पैटर्न फॉर्म हो गया तो ऐसे सिचुएशन में इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, मतलब यहाँ पे ब्राइट बैंड है तो ब्राइट बैंड कंटिन्यूअसली फिक्स है, यहाँ पे डार्क बैंड है तो डार्क बैंड की पोजीशन फिक्स है, मतलब स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड की जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और देर इज नो अल्टर और देर इज नो अल्टरनेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड ऑन स्क्रीन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इन दैट केस सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. स्टेडी का मतलब होता है फिक्स, कॉन्स्टेंट. तो जिस पैटर्न में, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, जिस इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इनकी पोजीशन स्क्रीन के ऊपर स्टेडी है, कॉन्स्टेंट है, देन सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. अ पैटर्न, अ इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अ पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड आर कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सच पैटर्न इज कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. अब ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल डी है, मतलब ये जो दो लाइट के सोर्सेज है, ये दो लाइट के सोर्सेज से लेके तो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो अपन ने फिक्स रखा है, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे. ये जो दो लाइट के सोर्सेज है S1 और S2, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये भी अपन ने फिक्स रखा हुआ है, और ये जो दो लाइट के सोर्सेज है इसमें से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो भी कैसी है, फिक्स है. तो ऐसे सिचुएशन में ना कैपिटल डी चेंज हो रहा है,
ना स्मॉल डी चेंज हो रहा है ना वेवलेंथ चेंज हो रही है। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसकी पोजीशन जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसके पोजीशंस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। एंड सच अ पैटर्न इज कॉल्ड अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हेन अ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्स ऑन द स्क्रीन, व्हेन अ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन, एंड there is no change in its position with respect to time, there is no change in its position with respect to time, then such a pattern is called as steady interference pattern, then such a pattern is called as steady interference pattern, okay? So this is about the steady interference pattern. तो ये steady interference pattern कब form होता है? ये ऐसा नहीं है कि जैसे अपने दो light के source के लिए एक screen रख दी और उसके अंदर distance fix कर दिया तो ये form हो जाएगा, नहीं। उसके लिए पांच कंडीशंस हैं। वो पांच कंडीशंस कौन कौन सी है ये देखिए। पहली कंडीशन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ये जो दोनों लाइट के सोर्सेस हैं ये कैसे चाहिए? कोहेरेंट चाहिए। कैसे चाहिए? कोहेरेंट। रिमेंबर दैट वर्ड, टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस कैसे चाहिए? कोहेरेंट चाहिए। सेकंड, टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट। दोनों का ब्राइटनेस कैसा चाहिए? इक्वल चाहिए। एक ज्यादा ब्राइट है एक कम ब्राइट है ऐसा नहीं चलेगा। दोनों का ब्राइटनेस कैसा चाहिए? सेम चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन जनरल एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे अगर एक 60 वाट है तो दूसरा भी 60 वाट चाहिए, एक 40 वाट है तो दूसरा भी 40 वाट चाहिए। ऐसा उसकी इंटेंसिटी में क्या है वेरिएशन नहीं चाहिए, उनका जो ब्राइटनेस है वो हमेशा सेम चाहिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। दोनों के दोनों सोर्सेस कैसे चाहिए? नैरो सोर्सेस चाहिए, यानी पॉइंट सोर्सेस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, एकदम पिन होल जो रहता है। सपोज अपन एक कार्डबोर्ड ले लिया और उसको एक पिन से अगर होल ड्रिल करते हैं तो वो जो पिन होल है उस पिन होल में से जो लाइट आएगा दैट नथिंग बट अ सोर्स ऑफ लाइट। तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो। दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस कैसे चाहिए? नैरो सोर्सेस चाहिए। फोर्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। ये जो दो लाइट के सोर्सेस है ये दोनों लाइट के सोर्सेस में का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी ये बहुत ही स्मॉल चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। ये दोनों सोर्सेस जो है इनमें का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए? जो सोर्स में से लाइट निकल रहा है उसके वेवलेंथ कितना चाहिए, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ चाहिए। इस तरीके से अपन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सो टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, दिस इज द फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। दोनों के दोनों सोर्सेस कैसे चाहिए? मोनोक्रोमैटिक चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो इस तरीके से ये पांच कंडीशन अगर लाइट के सोर्सेस कहीं पे भी अगर सेटिस्फाई करते हैं या एक पोजीशन पे सेटिस्फाई करते हैं तो उस वक्त अपने को स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिलेगा दैट पैटर्न वी कॉल्ड एज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न वी हैव टू कंप्लीट और वी हैव टू फॉर्म दीज फाइव कंडीशन। ये पांच कंडीशन अपने को फॉर्म होना जरूरी है। पहली कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। सेकंड, टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट। थर्ड, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। फोर्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। एंड फिफ्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। ओके, अब इसमें अपन डिटेल में देखते हैं। टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है इन फेज। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? इन फेज। यहाँ पे एक चीज ख्याल रखनी है, ये जो है कोहेरेंट इसका मतलब क्या होता है? इन फेज। जब दो लाइट के जो सोर्सेस है वहां से निकल सॉरी एक पर्टिकुलर लाइट का सोर्स अगर अपन लेते हैं और उसमें से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है वो अगर इन फेज है, कैसी है? इन फेज है, मतलब उनके बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो आइदर जीरो है, टू पाई है, फोर पाई है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर लाइट वेव वो कंटिन्यूअसली बाहर निकल रही है तो उस वक्त वो लाइट के सोर्सेस को अपन क्या बोलेंगे? कोहेरेंट। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दैट इज टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी इन फेज,
मतलब वो दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस कैसे चाहिए, इन फेज चाहिए, या वहां से निकलने वाली जो लाइट वेव है उनके बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कैसा चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच आर प्रोड्यूसेड बाय द टू लाइट सोर्सेज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट टाइप ऑफ सोर्सेज वी कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज। अगर दो लाइट के सोर्सेज ऐसी वेव जनरेट कर रहे हैं कि जिनमें का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है या जिनमें का पाथ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में उनको अपन क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट, दोनों का ब्राइटनेस सेम चाहिए। अब दोनों का ब्राइटनेस सेम कब रहता है, ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ। सपोज ये अपन एक वेव कंसीडर करेंगे, ये जो वेव है इस वेव का ये हो गया एम्पलीट्यूड, बराबर। अब पहले वेव का एम्पलीट्यूड ये है और दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड अपन को कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। ये देखिए, ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, ये सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। अगर A1 और A2 मतलब यहाँ पे दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। पहले सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव का एम्पलीट्यूड भी कितना है, A है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस कैसे रहेंगे, इक्वली ब्राइट होंगे। व्हाई, बिकॉज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बिकॉज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। किसी भी पॉइंट के पास में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उस वेव में से वो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर से हमेशा कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन शॉर्ट, जहां पे जो दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस है वो इक्वली ब्राइट अपने को तभी मिलेंगे जब दोनों सोर्सेस में से निकलने वाली जो लाइट वेव है उनमें का उनका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। पहले सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे सोर्स में से निकलने वाले लाइट वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के दोनों लाइट वेव जो रहेंगे वो इक्वली ब्राइट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों लाइट वेव कैसे चाहिए, इक्वली ब्राइट चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। नैरो का मतलब मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों के दोनों सोर्सेस कैसे चाहिए, पॉइंट सोर्सेस चाहिए, बहुत बड़े साइज के नहीं चाहिए, एक नैरो पिन होल की जो साइज है वो साइज की चाहिए। फोर्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। ये जो दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेज है इनमें का डिस्टेंस काफी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इनमें का जो डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स वेवलेंथ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा की इतनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली डी की वैल्यू कितनी चाहिए, लैम्डा की इतनी चाहिए। मतलब वो लाइट के सोर्स में से जो वेव्स निकलती है वो लाइट के सोर्स में से निकलने वाली जो वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ की इतना डिस्टेंस दो लाइट के सोर्सेस में का चाहिए। ये हो गई उसकी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों के दोनों लाइट के सोर्सेस कैसे चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा लाइट का सोर्स कि जिसमें से सिंगल वेवलेंथ की लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इमिट हो रही है। जिसमें से सिंगल वेवलेंथ की लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली क्या होनी है, इमिट होनी है, ऐसा जो लाइट का सोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको अपन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोनोक्रोमेटिक, ये अपने लाइट का सोर्स ले लिए, ये जो लाइट का सोर्स है इस लाइट के सोर्स में से ये वेव निकल रही है, ये भी वेव निकल रही है, ये भी वेव निकल रही है, इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा। तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स में से एक ही वेवलेंथ की वेव्स, इस सोर्स में से एक ही वेवलेंथ की जो वेव्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। फॉर एग्जांपल ये जो वेवलेंथ है ये सपोज 2000 एंगस्ट्रॉम है, और ये कितनी है, ये भी सपोज 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना, और ये भी कितनी है, सपोज 2000 एंगस्ट्रॉम है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल की तरह ले रहे हैं अपन, तो यहां पे ये जो लाइट के सोर्सेस है, ये जो लाइट का सोर्स अपन ने लिया हुआ है, ये ऐसा लाइट का सोर्स है जिसमें से सिंगल वेवलेंथ की लाइट वेव जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है। सच सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। सच सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम लैंप लेते हैं, ठीक है ना, कौन सा लैंप, सोडियम लैंप, तो सोडियम लैंप जो है उसको अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो हमेशा कैसी है, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, या सिंगल वेवलेंथ की है।
इस तरीके से ये पांच कंडीशन अगर दो लाइट के सोर्सेस कभी भी सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न फॉर्म होगा वो पैटर्न जो रहेगा, इस पैटर्न को अपन क्या बोलेंगे, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। इस पैटर्न को अपन क्या बोलेंगे, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट की कंडीशन ख्याल में लीजिए, व्हेन टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर इन फेज, व्हेन टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर इन फेज दैट इज द लाइट वेव्स इमिटेड बाय द सोर्सेस, दैट इज द लाइट वेव्स इमिटेड बाय द सोर्सेस हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, देन सच सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस, देन सच सोर्सेस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस। सो दीज आर नथिंग बट द फाइव कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस or to set up the steady interference pattern on the screen. Okay, so this is about the steady interference of light, steady interference and conditions of steady interference of light. If you like this video, then subscribe my channel. Thank you.